हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्रा में साथियों क्वेश्चन है थिन ड्रेनिंग लेयर विद इन क्ले एट अ डेप्थ ऑफ पॉइंट फाइव जीरो मीटर इट्स टॉप सरफेस द एवरेज वैल्यू ऑफ सी वी इज फाउंड एज फोर पॉइंट नाइन टू मल्टीप्लाई इन टू टेंट पाइनस टू एम एम स्क्वायर पर सेकेंड मेनी डेज

है उनके बीच में है ये तो यहाँ बोला गया यहाँ पे एक और ड्रेनल लेयर है थिन है बिल्कुल वो कितना है क्ले के जो टॉप सरफेस है उससे 1.5 मीटर नीचे है मतलब कि यहाँ पे एक ड्रेन लेयर भी यहाँ पे है तो बोला गया रहा है कि यदि एवरेज वैल्यू ऑफ सी वी मतलब सचेंट ऑफ कंसोलिडेशन हमारा सी वी यहाँ पे दिया हुआ है फोर पॉइंट नाइन टू इन टू टेन टू पावर माइनस टू एम एम स्क्वायर पर सेकेंड ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है अब बोला जा रहा है कि यदि इसके ऊपर क्ले के ऊपर कोई स्ट्रक्चर ऐसे कोई सैंड के ऊपर जितना भी हो उसके इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा कितने दिन लगेंगे कि वो जो अल्टीमेट सेटलमेंट का फिफ्टी परसेंट यहाँ पर कंसल्टेट हो जाए मतलब फिफ्टी परसेंट कंसल्टेशन में कितना टाइम लगेगा और यहाँ बोला गया कि जो एक्सप्रेशन है टाइम फैक्टर का फाइव बाई फोर यू स्क्वायर वो हमारा पूरे कंसोलिडेशन का जो पूरा टाइम है हर जगह ये अपलिकेबल है तो आई साथियों पहले हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लियर क्लियर ये हो गया एक क्लियर ये हो गया तो हम इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे सफिक्स मान लेंगे मानते हैं इस क्लियर वाले के लिए हम वन मानेंगे सफिक्स और इसके लिए हम मानेंगे दो तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा आसान कर पाएंगे आइए हम इसको हम सॉल्व करते हैं पहले हम निकालेंगे टाइम फैक्टर फॉर वन तो यहाँ पर बात करें टी वन इस वाले इक्वेशन से तो हो जाएगा हमारा फाइव बाई फोर यू वन स्क्वायर अब हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी प्रकार से हम सेकेंड वाले की बात करें तो हमारा हो जाएगा टी टू इक्वल टू फाइव बाई फोर यू टू स्क्वायर ये हो गया हमारा सेकेंड वाले के लिए अब हमको एक और फार्मूला पता है टाइम फैक्टर के लिए वह क्या है अभी हम उसको बात करते हैं वी आल्सो नो अब टाइम फैक्टर का फार्मूला एक पता होगा जो हो तुम्हारा टी इक्वल टू क्या होता है साथियों सी वी अपन डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाइम ये आपको यहाँ पे पता होगा अगर इसकी बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके लिए हम क्लेयर वन के लिए बात कर लेते हैं किसके लिए लेयर वन या फिर क्या क्ले वन फार क्ले वन के लिए क्या हो जाएगा टी वन इक्वल टू सी वी टी अपन डी वन का स्क्वायर अगर हम यहाँ डी वन की बात करें साथियों हो डी वन हमारा क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा डी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टोटल हाइट एच है तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई टू मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा वन पॉइंट फाइव बाई टू एक हो, गया हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव अगर इसको एम एम में बदल दें क्योंकि साथियों हमारा जो कॉन्डिग्री ऑफ कंसल्ट्रेशन दिया है वो एम एम में दिया है तो ये हम बात कर सकते सॉरी ऑफ क्वेश्चनेशन जो दिया है वो एम एम है तो हम इसकी बात करेंगे तो एम एम में चेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा साथियों सेवन फाइव जीरो एम एम अब साथियों हम हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारा कैसा है डबल ड्रेनेज है ये कैसे पता चलेगा साथियों आपको ये मैं बता दूं डबल ड्रेनेज मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो ड्रेनेज होगा वो ऊपर भी सैंड के द्वारा हो सकता है और निचले सैंड के द्वारा भी हो सकता है डबल ड्रेनेज हुआ मतलब इसको टू से डिवाइड कर दिए अभी हम इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में जो जब हमने बात किया तो ये हो जाएगा टी वन इक्वल टू सी वी की वैल्यू हमको साथियों पता है फोर पॉइंट नाइन टू इंटू टें पावर माइनस टू अपन अब यहाँ पे डी हमारा ये सात सौ पचास डी वन का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हमारा टी इसको साथियों सॉल्व करने पर ये हमारा आता है एट पॉइंट सेवन फोर सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस एट टी ये हमारा क्या टी वन अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं टी टू की तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली टी टू इक्वल टू तो हमारा क्या हो जाएगा फोर पॉइंट नाइन टू इंटू टेन पावर माइनस टू यहाँ पे साथ ही बात करें इसकी डी टू की बात करें हम यहाँ पे इस वाले लेयर की तो हम इसको वन माने इसको हमने माना है टू अगर तो हम डी टू की बात करें तो डी टू हमारा क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव बाई टू तो ये हमारा हो जाएगा टू पॉइंट टू फाइव अगर में चेंज करें तो हमारा हो जाएगा बाईस सौ पचास एमएम ये हो जाएगा एम एम में ये हमारा था मीटर में यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई बाई टी तो ये हमारा साथियों आ जाएगा सॉल्व करने पर नाइन पॉइंट सेवन वन एट इंटू टेंट पॉर माइनस नाइन टी आप साथियों हमने क्या किया इसको भी कोई इक्वेशन मान लेते हैं आपकी आसानी हो जाएगी तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा है थर्ड वाला और ये हमारा है फोर्थ वाला अब हमने इसको क्यों निकाला आप वो समझ सकते हैं अब हम यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे जैसे आप यहाँ चलते हैं थर्ड में टी वन की वैल्यू निकाले हमने और यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में भी हमने क्या निकाला टी वन की वैल्यू तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे मतलब दोनों बराबर कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अब क्या हो जाएगा वहाँ पे हमने निकाला था फाइव बाई फोर यू वन का स्क्वायर इक्वल टू तो हमने यहाँ निकाला एट पॉइंट सेवन फोर सेवन इंटू टी ये हमने यहाँ पे निकाला है हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं ए इसी प्रकार से हम एक बार और सॉल्व करेंगे अब क्या करेंगे हम सेकेंड और फोर्थ को ले लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ इसमें क्या बसाती हो देखिए यहां पे हमने यहाँ पे टी टू की वैल्यू निकाली है और यहाँ पे हमने टी टू की वैल्यू निकाली है तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई फोर, यू का इक्वल तो हमारा हो जाएगा नाइन पॉइंट सेवन एट इन टू टेंट पावर माइनस नाइन टी इसको हमने ए माना इसको हमने मान लिया बी अब क्या करेंगे साथियों ध्यान दीजिएगा इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे यू वन और यू टू का एक रेशियो निकाल लेंगे ताकि आगे हम डिग्री ऑफ कॉन्सोलेशन हमको थोड़ा सा पता चल जाए किसकार से सॉल्व होने वाला है तो आइए हम क्या करते हैं

इंटू टू पावर माइनस एट डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा नाइन पॉइंट सेवन वन एट इंटू टें हमारा साथ ही आएगा यू वन बाई यू वन स्क्वायर बाई यू टू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा नाइन और इसको और सॉल्व करने के साथियों यू वन डिवाइडेड बाई यू टू इक्वल टू थ्री ये साथियों आपको समझ में आया होगा हमने क्या निकाला यू वन डिवाइडेड बाई यू टू इक्वल टू थ्री हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू वन इक्वल टू थ्री यू टू आपको ये समझ में आया होगा ये हमने क्या निकाला रेशियो निकाल लिया फिर U1 और U2 इसका जो डिग्री ऑफ कंसिलेशन है दोनों का हमने एक रेशियो निकाल लिया वैल्यू निकाल लिया अब चलते हैं हम यहाँ पे सेटलमेंट निकालते हैं सेटलमेंट इन लेयर वन निकालेंगे सेटलमेंट इन लेयर टू निकालेंगे तो हम पहले बात करते हैं लेयर वन की ये हमारा लेयर वन है ये लेयर टू है तो हम डेल्टा एच वन निकालेंगे डेल्टा एच के साथ फार्मूला को पता ही होगा क्या होता है यू इन एच अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं डेल्टा एच वन निकालेंगे तो हमारा जाएगा। U1, हो जाएगा यू वन मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा एच वन तो ये हमारा हो जाएगा एच वन वैल्यू क्या है वन पॉइंट फाइव तो यह हमारा आएगा वन पॉइंट फाइव यू वन इसी प्रकार से अगर हम निकालें डेल्टा एच टू निकालें तो डेल्टा एच टू हमारा हो जाएगा यू टू मल्टीप्लाई बाई एच टू तो ये हमारा कितना आएगा फोर पॉइंट फाइव यू टू और टोटल डेल्टा एच निकालें क्या साथियों टोटल डेल्टा एच निकालें तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू हो सकता है नहीं हो सकता साथियों आप सोचिएगा अगर इसमें करें तो इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन मान लेते तो हैं हम ये हो गया सी हो गया ये हमारा हो गया डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा वन पॉइंट फाइव यू वन प्लस फोर पॉइंट फाइव यू टू अब यहाँ पे यू वन इक्वेल्व हम यहाँ पे ये यह देख देंगे वन पॉइंट फाइव मल्टीपल बाई थ्री यू टू प्लस फोर पॉइंट फाइव यू टू अब हमने क्या किया यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे साथियों आएगा फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव आएगा नाइन U2. आपको समझ में आया होगा डेल्टा इज कितना नाइन यू टू तो हमने क्या किया इन दोनों को लेयर को अलग अलग निकाल के हमने क्या किया डेल्टा डेल्टाज निकाला है अगर हमको पूरा साथ में निकालना हो मान लीजिए हमको पूरी सिक्स मीटर हाइट के लिए यहाँ पर डेल्टा यू निकालना, तो हो? निकालना हो तो क्या हो सर डेल्टा डेल्टाइज निकालना हो तो क्या होगा तो यहां पर आपको पता होगा यहाँ पे हमको क्या दिया गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अल्टीमेट सेटलमेंट है उसका 50 परसेंट अटेंड करने में हमको कितना टाइम लगेगा तो 50 परसेंट मतलब यहाँ पे क्या दे दिया यू इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव दे दिया है मतलब 50 परसेंट तो हम उसी प्रकार से यहाँ पे रखेंगे अभी हम सॉल्व करते हैं इसको तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे टोटल तो साथियों हम यहाँ पे एवेल एल अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा एच यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कंसोटेशन फिफ्टी परसेंट तो यहाँ पे यू इक्वल टू जैसे मैंने बताया यू इक्वल टू तो हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव मल्टीपुलर बे एच हमारा टोटल हाइट कितनी यहाँ पे सिक्स मीटर है तो हम इसके लिए निकालेंगे तो सिक्स इक्वल टू निकालेंगे फिर भी हमारा आ जाएगा थ्री अब साथियों क्या करेंगे हम यहाँ पे ये चीज़ देखिए डेल्टा डेल्टाच इक्वल टू डेल्टा एच तो हम इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा अगर हम दोनों को बराबर कर दो हमारा हो जाएगा नाइन यू टू इक्वल टू थ्री यहाँ पे मान लीजिए हमारा हो गया इक्वेशन डी हो गया ई e हो गया यहाँ पे हो गया एफ तो यहाँ पे इक्वेशन ई e और एफ से हमने क्या किया नाइन यू टू बराबर थ्री हो गया तो यू टू बराबर हो जाएगा वन बाई थ्री अब साथ ही हमको यहाँ पे यू टू वैल्यू पता गई वन बाई थ्री तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर बी में रख देंगे तो हमको यहाँ पे टी जो टाइम है वो पता चल जाएगा तो यहाँ पे देखिए यू इक्वेशन बी के हमारा क्या है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है पाई बाई फोर यू तो तो टू स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई फोर यू टू स्क्वायर था तो हमारा हो जाएगा वन बाई थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा नाइन पॉइंट ध्यान दीजिएगा ये है नाइन पॉइंट सेवन एट सेवन वन एट इंटू टेन पावर माइनस नाइन टी यही हम यहाँ पे लिखेंगे नाइन पॉइंट सेवन वन एट इंटू टेन पावर माइनस नाइन टी अब यहाँ पे इसको चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व साथियों तो ये हमारा आ जाएगा अगर इस वाले टर्म को सॉल्व करें तो हमारा आता है जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन टू सिक्स बाई ये हमारा क्या आता साथियों सेवन नाइन इंटू टेंट पावर सिक्स और ये साथियों क्या आएगा सेकंड में आएगा क्योंकि हमने कभी वैल्यू नहीं चेंज की एम और सेकंड में हम लेके चल रहे हो तो यहाँ पे आएगा सेकंड में लेकिन वो किस में पूछा था डेज में साथियों ध्यान दीजिएगा कितना दिन की जरूरत होगी कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर डे निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे साथ ध्यान दीजिएगा तो टी क्वाल एट पॉइंट नाइन सेवन नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन पावर सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर आवर होता है एक दिन में मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी सिक्सटी यहाँ पे मिनट uh, में हो गया अब सिक्सटी सेकेंड में तो इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों तो यहाँ में ये आ जाएगा वन जीरो थ्री पॉइंट नाइन टू डे तो साथियों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन साल होता है उम्मीद करता करो साथियों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा यदि आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ से अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो प्रोवाइड कराने का साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद